सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे एंजल वन को लेकर। तो जैसा कि आप लोग देखोगे, एंजल वन में जबरदस्त जो एक्शन है वो आज के दिन हमें देखने को मिला है। बिकॉज ये जो तेजी बनी है इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, देखो भी इतनी बड़ी तेजी बनी है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और वहाँ पर आपको बताया था कि आज स्टॉक में बड़ा एक्शन बनेगा। बिकॉज आप लोग देखोगे 14 तारीख को, यानी कल के दिन कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स आए थे भाई। और ये जो रिजल्ट्स आए थे वो मार्केट क्लोजिंग के बाद आए, और इससे पहले भी आप लोग देखो कल भी स्टॉक में 3 से 3.5% के आसपास की तेजी थी। और आज तो आप लोग देखो धमाका ही कर दिया भाई, 10% शेयर उछल चुका है। तो और आगे के कैसे रहेंगे लेवल वगैरह वो जानेंगे। अगर आपने अब तक रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो थोड़े बहुत यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अगर बात करें तो 22 के पी पर ट्रेड कर रहा है भाई ये, तो वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। RSI MFI 20 के हमें ठीक RSI ठीक दिखाई दे रहा है, अभी 60 के आसपास है, MFI थोड़ा सा हाई है। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको रिजल्ट्स वो कैसे हैं और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल ही रहा है भाई, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो भी बिजनेस हाईलाइट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखो टोटल इनकम हमें जो अभी Q2 प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज होते हुए नजर आई है लगभग 8% की। और ये जो ऑल फिगर है वो मिलियन में दिया है, 14,101 मिलियन है। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 1410 करोड़ की इनकम थी प्रीवियस क्वार्टर में, और अब की बार कितनी है 1516 करोड़ की, सीधा 8% का जंप। वहीं अगर बात करें इबिडा की तो इबिडा आप लोग देखोगे लगभग 42% उछला है भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। प्रीवियस क्वार्टर में 419 करोड़ था और अब की बार कितना हो गया 597 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोग देखोगे Q2 बेसिस पर 45% इंक्रीज हुआ है, 292 करोड़ से सीधा 423 करोड़। तो इतनी अच्छी ग्रोथ आई है, यही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में रैली के पीछे। इसके बाद आप लोग देखोगे जो टोटल क्लाइंट बेस है वो कैसा है और वो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल क्लाइंट बेस जो है वो 61% इंक्रीज हुआ है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे 11% की ग्रोथ आई है, ठीक है, क्लाइंट बेस में। तो ज़बरदस्त अभी NSE एक्टिव क्लाइंट बेस आप लोग देखोगे इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ठीक है, अभी डाटा वगैरह सब कुछ बिल्कुल ओके है, ठीक है। और जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी क्यों उनके बेसिस पर कैसा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो लगभग हमें जो अभी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है इसके अंदर। देख सकते हो आपके सामने सब कुछ जगह पर अपने ज़बरदस्त एक्शन में शेयर है, तो यही सबसे बड़ा कारण रहा है अभी स्टॉक में बड़ी रैली के पीछे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आगे के कैसे रहेंगे इसके लेवल वगैरह, और ओवरऑल जो टर्नओवर प्रीमियम टर्नओवर है वो आपके सामने भी ऑप्शंस के ऊपर कैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो सारे आपके सामने देख लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए अब देखते भी आगे के कैसे हो सकते हैं इसके लेवल वगैरह, और हमें जो अभी इसके अंदर कैसी क्या स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहिए, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखो एंजल वन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, अभी इससे पहले भी मैंने वीडियो जिसके ऊपर बनाए थे भाई, और इस भाव के ऊपर आपको बोला था कि स्टॉक में ब्रेकआउट बने हैं, और ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था भी उस टाइम पे भी। काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। आज फिर स्टॉक में ब्रेकआउट बना भी, गैप अप ओपन हुआ, अभी टाइम भी ऊपर में ही है, अच्छी रैली बनी हुई है। अगला टारगेट यहाँ से हो सकता है इसका 3244 के आसपास का, तो रिजल्ट के बाद स्टॉक में ये मूव बनते हुए नजर आ सकते हैं। देखो अभी आगे अगर कोई सेवी बड़ा एक्शन लेती है, कोई और न्यू रूल लेकर आती है, ठीक है, जिससे इसके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़े वो एक बात अलग होगी। जैसे पीछे लेकर आई थी ऑप्शन ट्रेडिंग्स के रिलेटेड लेकर आई थी, या फिर उससे भी पहले कई रूल्स लेकर आई थी ऐसे जो इनके इम्पैक्ट बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल रहे थे, तो उसकी वजह से जो शेयर है वो आप लोग देखोगे लगभग 4000 के आसपास से टूटा और नीचे में आ गया था ये 2000 के आसपास, तो बड़ी गिरावट बनी थी उस टाइम इसमें। लेकिन अभी टाइम स्टॉक में नीचे के भाव से फिर से रिकवरी बनते हुए नजर आई है, ऑलमोस्ट 50% जो शेयर है वो नीचे से रिकवरी ले चुका है भाई, तो काफ़ी शानदार रिकवरी बन गया ना इसके अंदर। तो यहाँ से आप लोग 2000 के आसपास के भाव से जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 50% आ गया अभी ऊपर में, तो काफ़ी अच्छी रैली बनी। आगे भी स्टॉक में तेजी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग लेवल्स पे काम करना चाहते हो तो भी 2797 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में टारगेट रहेगा 3244 का इस ब्रेकआउट के बाद। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए तो देखो भाई सिंपल सी भाषा में ये बात है, अगर स्टॉक गिरता है तो भाई देखो होल्ड करेंगे, देखो बिजनेस तो कम नहीं होने वाला है, मार्केट में जिस प्रकार से क्लाइंट बेस मजबूत हो रहा है ना भाई, तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगी आने वाले टाइम में, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।